हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पर दूसरे के चैनल की कार्टून एनिमेशन वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करके यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हो, और दोस्तों आप ये भी चाहते हो कि मैं दूसरे के चैनल की कार्टून वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करूँ, लेकिन मेरी वीडियो पर ना ही कॉपीराइट क्लेम्स है, ना ही मेरे चैनल पर स्ट्राइक है, और ना ही मेरा वीडियो यूट्यूब से डिलीट हो, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे यूनिक स्ट्रेटजी को बताना हूँ जिससे कि दोस्तों आप यूट्यूब पर दूसरे के चैनल की कार्टून वीडियो को सिंपली अपने चैनल पर री अपलोड कर सकते हो। जी हाँ गाइस, आप दूसरे की कार्टून वीडियो को अपने चैनल पर री अपलोड कर सकते हो, और दोस्तों आपके चैनल पर यहाँ पर मेरा 100% गारंटी फ्रेंड्स, कोई भी कॉपीराइट क्लेम्स नहीं देगा, ना ही आपके वीडियो को यूट्यूब से रिमूव कर पाएगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, और यहाँ पर मैं आपको जो भी कुछ बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर उसको फॉलो करना होगा। तो देखते हैं इस वीडियो को एंड तक, चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आगे वीडियो में आपको जो भी कुछ बता रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर उसको देखते जाइए और फॉलो करते जाइए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप यूट्यूब पर आएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सर्च करेंगे शिवा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो कि शिवा जो कार्टून एनिमेशन वीडियो फ्रेंड्स, इसको आप देखे होंगे फ्रेंड्स, एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कार्टून वीडियो है, और दोस्तों इस पर आप यहाँ पर व्यूज़ देख सकते हो कि जो इस तरीके की कार्टून वीडियो फ्रेंड्स, इसको काफ़ी ज़्यादा देखा और पसंद किया जाता है। और दोस्तों यूट्यूब पर आप इनके व्यूज़ को देख सकते हो कि इस वीडियो को यहाँ पर आप देख सकते हो कि 19 घंटे पहले अपलोड किया गया, और इस पर यहाँ पर लगभग 6 लाख व्यूज़ इस पर आ गए हैं। दोस्तों इसी तरीके से आप इनके और भी एपिसोड को देख सकते हो फ्रेंड्स, इस एपिसोड पर इसको 3 दिन पहले अपलोड किया गया, और इस पर 2 मिलियन व्यूज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इस एपिसोड पर भी यहाँ पर लगभग 6 लाख व्यूज़ है। और दोस्तों इसी तरीके से आप इनके लगभग हर एपिसोड पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लाखों मिलियन से व्यूज है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जो इस तरीके की कार्टून वीडियो है फ्रेंड्स, यूट्यूब पर कितना ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरीके की कार्टून वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करना चाहते हो, आप इनके वीडियो को उठाकर अपने चैनल पर कॉपी पेस्ट करना चाहते हो, और आप ये भी चाहते हो कि मेरे वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम्स ना आए, आप अपने चैनल को मोनेटाइज करवाना चाहते हो, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते जाइए, और यहाँ पर आपको जो भी कुछ बता रहे फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर उसको अच्छे से फॉलो करना है, तभी दोस्तों आप इस तरीके की वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इनके वीडियो को अपने चैनल पर री अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, दोस्तों यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर यूट्यूब पर आना है, सर्च करना है शिवा। जैसे आप यहाँ पर शिवा कार्टून को सर्च करेंगे, आपके सामने इस तरह के कार्टून के काफी सारे एपिसोड आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको इनमें से किसी भी एपिसोड को यहाँ से लेकर अपने चैनल पर अपलोड नहीं करना है, बल्कि दोस्तों यहाँ पर आपको इसके लिए करना क्या है, आपको यहाँ पर राइट में ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपल से इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च फिल्टर का यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सर्च फिल्टर पर क्लिक करेंगे, दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएटिव कॉमन्स का, आपको यहाँ पर सिंपल सा क्रिएटिव कॉमन्स के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे अप्लाई कर देना है। यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर जो शिवा का यहाँ पर क्रिएटिव कॉमर्स वीडियो फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपके सामने वीडियो आएंगे फ्रेंड्स, ये सभी नो कॉपीराइट वीडियो हैं, यानी कि दोस्तों इस पर किसी का भी लाइसेंस नहीं फ्रेंड्स, ये सभी क्रिएटिव कॉमर्स वीडियो हैं। तो दोस्तों आपको इन्हीं सब वीडियो को यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है, और इसको आपको अपने चैनल पर यूज करना है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप इसको क्रिएटिव कॉमर्स करके फ्रेंड्स यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए, और इसको डाउनलोड करने के बाद से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें आपको एडिटिंग करना होगा फ्रेंड्स। आपको इसको किस तरीके से एडिट करना है ताकि दोस्तों यहाँ पर आपका वीडियो यहाँ पर सेम टू सेम ना लगे, आप उसको अपने चैनल पर अपलोड करो तो वहाँ पर आपका भी यहाँ पर क्रिएटिविटी दिखाई देना चाहिए। तो इसको मैं बताने के लिए चलता हूँ सीधे काइनमेट एप्लीकेशन में, और वहाँ पर मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स आपको किस तरीके से इस तरीके की कार्टून वीडियो को एडिट करना, और उसके बाद से आपको अपने चैनल पर अपलोड करना, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपके वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम्स ना आए। तो चलिए चलते हैं सीधे काइनमेट एप्लीकेशन में, और जानते हैं किस तरीके से फ्रेंड्स आपको इस तरीके कार्टून वीडियो को लेकर उसको एडिट करके अपने चैनल पर अपलोड करना है। दोस्तों यहाँ पर काइनमेट एप्लीकेशन को अपने फोन में ओपन करने के बाद से यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल सा मीडिया का ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने जिस भी एपिसोड को डाउनलोड किया फ्रेंड्स, उसको यहाँ पर आपको सर्च कर लेना। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने शिवा के एक एपिसोड को यहाँ पर मैं डाउनलोड किया हूँ। तो फ्रेंड्स आपको भी क्या करना है, इस एपिसोड को काइनमेट के टाइमलाइन में ऐड कर लेना। यहाँ पर मैं इसका टाइमलाइन में ले लेता हूँ। जैसे फ्रेंड्स आपके टाइमलाइन में यहाँ पर ये वीडियो ऐड हो जाता है, उसके बाद से आपको यहाँ पर किस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर एडिट करना है, देखो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो सिंपल सा इस तरीके से वीडियो को लेना है। इसके बाद से आपको यहाँ पर इसके स्टार्टिंग वाले पार्ट में आ जाना है, यहाँ पर आपको आ जाना है इसके स्टार्टिंग वाले पार्ट में, जहाँ से ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ से ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, मान लीजिए कि अगर आपके वीडियो में यहाँ पर स्टार्टिंग में कोई यहाँ पर इंट्रो का पार्ट आ रहा है, तो आपको यहाँ पर जितना भी यहाँ पर सेकंड तक इंट्रो है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता, तो अभी इंट्रो नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर कोई वीडियो को डाउनलोड किए हो, उसमें कोई यहाँ पर स्टार्टिंग में इंट्रो है, तो फ्रेंड्स आपको उसको यहाँ पर इंट्रो को रिमूव कर देना है। इसके लिए मान लीजिए यहाँ तक आपका इंट्रो है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, कैंची ऑप्शन में जाना है, यहाँ पर सिंपल सा ट्रिम टू लेफ्ट करके आपको यहाँ पर इंट्रो वाले पार्ट को कट कर लेना है। इसी तरीके से आपको वीडियो में यहाँ पर एंड में, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आउट्रो है, यहाँ पर तो अभी नहीं है, लेकिन दोस्तों मान लीजिए अगर आपकी वीडियो में यहाँ पर आउट्रो है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा वैसे ही आपको मान लीजिए जहाँ तक आउटर फ्रेंस आपको वहाँ तक रखना है, और सिंपल सा कैंची में जाना है, यहाँ पर आपको ट्रिम टू राइट करके फ्रेंस यहाँ पर आपको आउटर वाले पार्ट को भी यहाँ से डिलीट कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको सबसे पहले अपनी वीडियो में अगर यहाँ पर कोई इंट्रो या आउटर है, तो फ्रेंस आपको उसको डिलीट कर लेना है।
दोस्तों इसकी वजह से आपके वीडियो को काफ़ी ज़्यादा कॉपीराइट क्लेम्स आने का चांस रहता है, तो आप यहाँ पे इसको पहले डिलीट कर लीजिएगा अगर आपके वीडियो में है तो, वरना दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। फिर इसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो फिर इस वीडियो में यहाँ पर मैंने जिस चैनल से इस वीडियो को डाउनलोड किया है उसका यहाँ पर वाटरमार्क और यहाँ पर कुछ लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें कुछ लगा हुआ है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखो यहाँ पर लेफ्ट में यहाँ पर नीचे की तरफ यूट्यूब का यहाँ पर कुछ लोगो लगा हुआ है और यहाँ पर कुछ नीचे यहाँ पर वाटरमार्क लगा हुआ है और यहाँ पर राइट में ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर वाओ का कुछ इस तरीके से उनके चैनल का यहाँ पर नेम का और लोगो लगा हुआ है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, इसको आपको छुपाना है। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा वीडियो पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पैन एंड जूम का, पैन एंड जूम पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इसको जूम कर लेना है। यहाँ पर आप इसको अच्छे से जूम कर लीजिएगा और इसको बीच में अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपका वीडियो में यहाँ पर जो करेक्टर फ्रेंड्स वो यहाँ पर क्लियर दिखाई दे और यहाँ पर आपके वीडियो में यहाँ पर कहीं पर भी उनके चैनल का वाटरमार्क या फिर लोगों ने दिखाई दे। तो इस तरीके से आपको इसको जूम कर लेना है। इसके बाद से यहाँ पर आपको इक्वल का ऑप्शन पर सेलेक्ट करके इसके स्टार्ट पोजिशन और एंड पोजिशन को लॉक कर देना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इस वीडियो को कर लेना है। अब इसके बाद से आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपल से वीडियो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मिक्सर का, मिक्सर जाना है। यहाँ पर आपको इसके वॉल्यूम को क्या करना है, थोड़ा सा कम कर लेना है। यहाँ पर मैं इसको 20% पर कर लेता हूँ, आप भी यहाँ पर इसको 70% पर कर लीजिएगा। इसके बाद से यहाँ पर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसके पिच को आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके पिच को -2 पर यहाँ पर आपको इसको कर लेना है। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको -2 पर इसके पिच को कर लीजिएगा और इसके बाद से आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखाई देगा फिल्टर का। यहाँ पर आपको फिल्टर का ऑप्शन पर क्लिक करना है, आ जाना है बेसिक वाले फिल्टर में और यहाँ पर आपको देख सकते हो कि यहाँ पर आपको B03 वाला जो फिल्टर है फ्रेंड्स इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये 100 पर होगा तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको 60 पर रख लेना है। यहाँ पर मैं इसको 60 पर रख लेता हूँ। तो आप भी यहाँ पर अपने वीडियो में फिल्टर को अप्लाई कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इससे आपके वीडियो में कॉपीराइट क्लेम्स आने का काफ़ी ज़्यादा चांस यहाँ पर कम हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर ना के बराबर आपके वीडियो में यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम्स आने का चांस रहेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पहले इस वीडियो को एडिट कर लेना है और इतना कुछ करने के बाद अब आपको इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, आपको अपने चैनल का वाटरमार्क को इसमें ऐड करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा लेयर पर क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पर आपको अपने चैनल के नेम को टाइप कर लेना है या फिर चाहे तो अपने चैनल के लोगों को भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, कहीं पर भी वीडियो में आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपने चैनल के वाटरमार्क को इसमें लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको अपने चैनल के नेम को टाइप कर लेना कुछ इस तरीके से, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपके चैनल का जो भी यहाँ पर नाम है फ्रेंड्स आप यहाँ उसको टाइप कर लीजिएगा। दोस्तों इसके बाद से यहाँ पर आपको फोन का ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपल से इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको काफी सारे फोन अवेलेबल मिल जाएंगे, आपको जो भी अच्छा लगे यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इस वाले फोन को सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको रख लेता हूँ। तो आप भी यहाँ पर चाहे तो इसको रख सकते हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इस फोन को ले लेना। इसके बाद से यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा आउटलाइन का, आउटलाइन में जाना है, इसको यहाँ पर आपको इनेबल कर देना। जैसे आप यहाँ पर इसको इनेबल कर देंगे फिर यहाँ पर देख सकते हो कि आपका वाटरमार्क यहाँ पर क्लियर दिखाई देगा। आप चाहे तो यहाँ पर कलर पर क्लिक करके फिर यहाँ पर आप इसका कलर को भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको येलो रख लेता हूँ, तो आप भी यहाँ पर इसको कर लीजिएगा। इसके बाद से आपको इसको छोटा कर लेना है और इसको यहाँ पर आपको लेफ्ट में ऊपर की साइड यहाँ पर आपको कोने में लगा लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको लगा लेता हूँ दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से आपकी वीडियो में यहाँ पर आपके चैनल का वाटरमार्क लग जाएगा। इसके बाद से आपको इस पर क्लिक करना है और इसको खींच कर पूरी वीडियो में कवर कर लेना, जितना भी वीडियो का लेंथ है आपको पूरी वीडियो में इसको कवर कर लेना। तो यहाँ तक मैं इसको करके दिखा दिया, बाकी आप इसको पूरी वीडियो में कवर कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं इसको करके दिखा दिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो आप यहाँ पर इसको कर लीजिएगा। इसके बाद से आपको यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें आपको नो कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक को डाउनलोड करना है। आप इसको यूट्यूब पर जाकर पता कर, तो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स बता देंगे कि आप नो कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा कार्टून टाइप के फनी बैकग्राउंड को यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है और इसमें आपको किस तरीके से म्यूजिक को ऐड करना है, देखो यहाँ पर आपको ऑडियो का ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका जहाँ पर भी वो म्यूजिक होगा सिंपल से यहाँ पर आपको उसको ले लेना। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल के लिए इस म्यूजिक को आपको लेकर यहाँ पर मैं इसमें लगाकर आपको दिखा दे रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से म्यूजिक को ले लेना। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो दोस्तों यहाँ पर आपके म्यूजिक के लेंथ को आपको अपने वीडियो के बराबर कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हो कि मान लीजिए कि अगर आपके वीडियो के लेंथ से आपका या जो म्यूजिक का फ्रेंड्स यहाँ पर छोटा पड़ा तो आपको सिंपल से म्यूजिक पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लूप का, लूप पर क्लिक करना है। जस्ट उसके नीचे यहाँ पर आपको लूप टू एंड का ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स, इसको भी यहाँ पर आपको इनेबल कर देना है। तो इस तरीके से करने के बाद से आपके पूरे वीडियो में यहाँ पर म्यूजिक अप्लाई हो जाएगा। और इसके बाद से आपको पे क्या करना है फ्रेंड्स, म्यूजिक के वॉल्यूम को कम कर देना ताकि दोस्तों आपके वीडियो में यहाँ पर जो करेक्टर है फ्रेंड्स उसका वॉइस है फ्रेंड्स वो यहाँ पर क्लियर सुनाई दे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, म्यूजिक पर क्लिक करना है, मिक्सर में जाना है। यहाँ पर आपको इसके वॉल्यूम को क्या करना है, यहाँ पर आपको इसको 15% पर रख लेना है। यहाँ पर मैं इसको 15% पर रख लेता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको कर लीजिएगा। अब इसके बाद से आपका वीडियो यहाँ पर पूरी तरीके से एडिट हो चुका है फ्रेंड्स, अब आप इसको अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हो। आपकी वीडियो पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम्स नहीं देगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका वीडियो पूरी तरीके से यहाँ पर यूनिक बन चुका है। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से एडिट कर लेना। इसके बाद से आपको यहाँ पर राइट में ऊपर एक्सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इसके रेजुलेशन को फुल HD 1080p पर रखना है, इसके फ्रेम रेट को 30 पर रख लेना है और इसके बिट रेट को आप अपने वीडियो के साइज के हिसाब से यहाँ पर इसको रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको हमेशा ही 10 MBPS पर रखता हूँ।
तो यहाँ पर बढ़िया क्वालिटी आता है, तो आप इसको यहाँ पर चाहे तो रख सकते हो। इसके बाद सेव एज वीडियो पर क्लिक करना है और इसको अपने फोन में सेव कर लेना। जैसे आपके फोन में आपका वीडियो सेव हो जाता है, उसके बाद आपको अपने चैनल पर जाना है और वहाँ पर आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। जैसे वहाँ पर आप इस वीडियो को अपलोड कर दोगे, फिर आप देखोगे फिर आपके वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम्स नहीं आएगा। अगर आप इसी तरीके से आप एडिट करके अपने चैनल पर अपलोड करते हो तो आपके वीडियो में यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम्स का यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर यूट्यूब पर दूसरे की कार्टून वीडियो को लेकर फिर उसमें आपको एडिटिंग करना है और उसके बाद ही आपको अपने चैनल पर अपलोड करना है। और दोस्तों इस तरीके से अगर आप यहाँ पर करते हो तो आपका चैनल भी यहाँ पर बहुत ही जल्द मोनेटाइज हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस तरीके की कार्टून वीडियो पर यहाँ पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं दोस्तों आपके एक ही वीडियो से, यहाँ पर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको अच्छे से समझ में आ चुका है आप कैसे यहाँ पर दूसरे की कार्टून वीडियो को लेकर अपने चैनल पर अपलोड करके यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हो विदाउट कॉपीराइट क्लेम्स के। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरे नए हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।